आम्ही क्वेश्चन एक गोष्ट विचारू इच्छित आहे की तुम्ही इंग्लिश मध्ये हिंदी किंवा मराठी कोणती लँग्वेज मध्ये कम्फर्टेबल फील करणार? ओके, आम्ही 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 मधी मधी म्हणजे आमची सोयीनुसार चेंज करणार, पण आम्हाला असं वाटतं की कोणाला कशी अडचण नाही आहे. बराबर आहे. ओके, आम्ही थोडासा आमचे बॅकग्राऊंड बाबत सांगू इच्छित आहे, कारण की मी आता थोडाफार इंटरॅक्ट केला तर मला असा लक्ष आला तर थोडा डाऊन करू लाईट. तर आम्हाला असा लक्ष आला की बरेचसे असे लोक आहे जे ग्रॅज्युएशन करत आहे, बी ए वगैरे करत आहे, आणि असे लोक पण आहेत जे इंजिनिअरिंग वगैरे केलेली आहे. तर यूपीएससी किंवा एमपीएससी एक असा एक्झाम आहे ज्याच्यामध्ये तुमचा बॅकग्राऊंड का आहे याचा कोणो डिफरन्स किंवा भेद नाही. एक वेळेस तुम्ही ग्रॅज्युएशन केले तर तुम्ही ग्रॅज्युएट झाले, त्याच्यानंतर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स घ्यायचे आहे किंवा हिस्ट्री घ्यायची आहे, जॉग्रफी घ्यायची आहे, तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कॉम्पिटिशन मध्ये सर्वांसोबत सर्वांमधून कॉम्पीट करून सिलेक्ट व्हावे लागणार. तर त्याच्यासाठी तुमचे जे स्ट्रॉंग पॉइंट आहे त्याचप्रमाणे तुम्हाला तयारी करण्याची गरज असतो. जसे तुमच्या मध्ये इंजिनिअरिंग केलेले लोक आहे त्याच पद्धतीने आम्ही स्वतः पण इंजिनिअरिंग केलेलं आहे. हिंदी में बात किया तो नहीं चलेगा. ओके, तो आई एम मोर कम्फर्टेबल इन इंग्लिश सो आई कैन टॉक इन इंग्लिश. ओके, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू लखनऊ. मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की, देयर आफ्टर आई डिड माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर. और कुछ सर्विसेज मतलब कुछ नौकरी करने के बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा में काम कर रहा था. तो जैसा मेरे को ये ग्रुप देख के लगता है, मैं बेसिक पॉइंट्स क्या है, बेसिक क्या किस चीज की गरज होती है जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देती है या फिर जो आपको सक्सेसफुल बना देती है, खासकर एक नेशनल लेवल के एग्जाम में या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में, वो है आपका डिटर्मिनेशन. कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी कर रहे हो लोगों के साथ और ये तैयारी ऐसी नहीं है कि जैसे आजकल 2020 क्रिकेट है, सबको लगता है कि यार बस मानो चौका छक्का हो गया. इस एग्जाम के लिए आपको पेशेंस के साथ काफी लंबे समय से तैयारी करनी पड़ती है. इट इज लाइक ए टेस्ट क्रिकेट. तो उसके लिए आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो भी वैसे ही सिस्टमेटिकली और बहुत प्लान होना चाहिए. आपने कई बार इंटरव्यू वगैरह पढ़े होंगे लोगों के या फिर मैगजीन्स वगैरह में निकलता रहता है. देन दे से दैट दे हैव द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दे हैव प्लान्ड स्ट्रेटेजिकली. व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी अबाउट एंड व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक टर्म इज? स्ट्रेटेजी मींस व्हेन यू प्लान फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम. इट इज नॉट लाइक यू नो यू प्लान फॉर टू, आप दो घंटे बाद क्या करने वाले, चार घंटे बाद क्या करने वाले, आप दो साल बाद क्या करने वाले हैं, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजी. और दो साल बाद आपको जो अचीव करना है उसके लिए आप आज से क्या तैयारी कर रहे हो या फिर किस तरीके से आप काम कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेटेजी. अब अगर मान लो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि दसवीं आपने किया या ट्वेल्थ किया उसका आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद सोचना शुरू करते हो कि मेरे को अब यूपीएससी देना है तो उसमें आपके दो तीन साल जाएंगे, तो व्हाई यू आर इन योर ग्रेजुएशन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए या एमपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो पहला जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर. यू नो अबाउट इट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में दिसंबर के महीने में यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट आता है. ठीक है, वैसे ही एमपीएससी का जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज पेपर में आता है. तो जब आप वो न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर वो न्यूज़पेपर का जिसमें एडवर्टीजमेंट है वो देखोगे तो आपको ये समझ में आया कि सिलेबस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार हम सिलेक्शन सब्जेक्ट क्या लें. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन आई डिड इन इंजीनियरिंग, आई स्टडीड मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन आई प्लान appear for this examination,
Then I thought ki if I take these papers, subjects, maybe I may take more time or I am not very comfortable in. So how to select the subjects you want to take in MPSC or UPSC examination? मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी का जो पैटर्न है वो हम लोगों ने जब तैयारी की उससे थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है, जैसे कि सीसेट लागू हो गया है या फिर मेंस में ऑब्जेक्टिव हो गया है, बट यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक हाउ यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड हाउ यू हैव टू टैकल द क्वेश्चंस इट रिमेंस बेसिकली सेम थिंग। तो उसमें आपको जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है तो उसके लिए आप ये देखिए कि जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं और पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, वो आपको आराम से किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाता है, 10 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर या फिर 5 साल के क्वेश्चन पेपर है। देन यू गेट अ बेटर आइडिया कि यस आई एम कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चंस और आंसर्स, आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर पेपर। वंस यू डिसाइड, यू टेक योर ओन टाइम टू डिसाइड द पेपर व्हिच सब्जेक्ट यू हैव टू अपीयर इन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ से देना है, देन नेवर चेंज इट, बिकॉज इफ यू चेंज इट यू हैव टू अगेन प्रिपेयर टू दैट एक्सटेंट एंड इट बिकम डिफिकल्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जिन्होंने चेंज किया उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बट चांसेस बिकम लेस एंड यू हैव टू बी यू नो वेरी वेरी डिटरमाइंड कि नहीं मैं इसके लिए इसे भी कर सकता हूँ। बट यू नो इट इज लाइक यू आर चेंजिंग योर स्ट्रेटजी इन बिटवीन। आपने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसको जाना है 100 किलोमीटर, मीन्स एक टारगेट उसका 100 किलोमीटर अवे है, फिर रास्ते में आप उसका टारगेट चेंज कर रहे हो, इट इज टारगेट भी मीन्स उसका पाथ चेंज कर रहे हो। सो यू नो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है वो बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करना है। एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसी को आपको कायदे से प्रिपेयर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल थिंग। उसके बाद क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि अटेम्प्ट रहते हैं, ठीक है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, लेकिन अटेम्प्ट कभी भी नेवर गिव द अटेम्प्ट हाफ हार्टेडली। यार इस पर देखता हूँ कि एग्जाम में क्या आता है, तो यार देखने का टाइम तो फिर किसी के पास नहीं है, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज लाइक द पीपल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन 2 years इन एडवांस बिफोर दे टेक फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इफ यू नो कॉम्पिटिशन इज सो इंटेंस दैट इफ यू डोंट प्लान इट दैट वे, इफ यू डोंट प्लान इट दैट वे इट बिकम्स डिफिकल्ट because first attempt you have given for just experience, then when you are giving your second attempt to aapka laxity hai wo kam nahi hota hai, so my suggestion is that prepare well before your first attempt. Then comes how to gather information on a regular basis. Now if you see this is very journalistic kind of examinations where journal studies and a hell lot of questions, a hell lot of facts are asked. तो उसके लिए आपको जैसे फॉर यूपीएससी पर्टिकुलरली आई वुड से कि एनसीईआरटी स्टिल रिमेन द बेस्ट सोर्स फॉर यू नो अपग्रेडिंग योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनफैक्ट साइंस ऑल्सो, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक्स। तो उसके लिए आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बहुत कायदे से पढ़ो और वो पढ़ने के बाद आपका एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस तैयार होगा। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग बिकॉज एवरीबडी स्टडीज एनसीईआरटी, ठीक है, उसके बाद आपको उस पर डेवलप करना पड़ेगा। नाउ वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यू नो एवरीबॉडी इज हैविंग एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ यू नो इंटरनेट फैसिलिटीज, सो यू कैन ऑल्सो यू नो स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इंटरनेट फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड यू नो इट इज योर बैक ऑफ माइंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, इट कैन बी यूज पॉजिटिवली, इट कैन बी यूज इन ए लॉट अदर वेज ऑल्सो, बट इंटरनेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड मीडियम फॉर यू नो गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सो यू नो यू कल आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर कि वॉट ऑल यू नीड। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो एवरी डे इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रिपरेशन, यू शुड कीप ए यू नो नोटबुक इफ इट इज पॉसिबल दैट यू नो वॉट ऑल यू हैव टू डू, यू हैव ए प्लानर कि आज मेरे को ये कर लेना है, इतना मेरा टारगेट है, आज शाम को सोते सोते मेरे को इतना this level of preparedness should come to me. You know, subject-wise, syllabus-wise भी आपको divide करना होगा कि इतना इतना मैं आज कर लूँगा। अब आपके पास अगर एक notebook और pen है तो जहाँ भी आप जाते हैं, you find some paper, newspaper like the Hindu newspaper, I would say is very very relevant and very very informative. Even though it is in English, but you
यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू योर सब्जेक्ट. मराठी मध्ये पण तुम्ही कन्वर्ट करू शकता जर तुम्ही व्यवस्थित त्याच्यामध्ये का माहिती आहे आणि का नॉलेज दिलेली आहे त्याचं तुम्ही शॉर्ट मध्ये आपल्या नोटबुक मध्ये व्यवस्थित लिहून घेऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर काय ज्यावेळेस तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे किंवा तीन महिन्यानंतर सहा महिन्यानंतर तुम्ही ते परत रिवाइज करून चांगल्या पद्धतीने नोट्स तयार करू शकता. आणि ते खूप महत्वाची गोष्ट आहे कारण काय की ते असा एवढा सोपा नाही की फक्त तुम्ही सिलेबस वाचून गेले आणि तुमचं सिलेक्शन झालं असं नाही आहे. तर आणि प्रत्येक माणूसचा आपला एक वेगळा पद्धत असतो, आपला एक वेगळा प्लॅन असतो. यू ऑल्सो प्रिपेअर टू ऑल्सो यु नो गेट रेडी फॉर ऑल दोज हार्डशिप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्झामिनेशन. डोंट फील की यु नो यू विल स्टडी फॉर 8 hours एंड 10 hours एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट सिलेक्टेड इन दिस. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट टाइम. जैसे कई लोग पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह पूछते हैं लोग कि यार आपने कितने घंटे पढ़ाई किया, 12 घंटे तो पढ़ते होंगे साथ 16 घंटे तो पढ़ते होंगे. दैट इज ओके मीन्स ऑन ए लॉन्गर टर्म यू हैव टू स्टडी. लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटे में आप अपने एजुकेशन को काउंट कर सकते हो. इट इज लाइक यू नो क्वालिटी ऑफ टाइम रादर देन क्वांटिटी ऑफ टाइम. ठीक है, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 8 घंटे से पढ़ रहे हो एंड यू हैव ग्रास्प व्हाट यू हैव स्टडीड देन इट इज यू नो मोर देन सफिशिएंट. लेकिन ऐसा नहीं है कि 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसका पूछा कि यार ये पिछले वाले पेज पे क्या लिखा था तो आपको सपने आ रहे हैं. तो वैसा ही होना चाहिए. यू शुड बी यू नो कमांड ओवर द सब्जेक्ट व्हाट यू आर स्टडीड. ठीक है, व्हाइल आई वाज जब मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा था तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, 5-5, 6-6 घंटे मैक्सिमम अगर मैं निकाल पाता था. लेकिन उसमें भी मैंने आई ट्राई किया, आई शुड बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. कई बार क्या होता है कि हम प्रिपेयर करते हैं, यार ठीक है चलो चल रहा है, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ाई करता हूँ रोज, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए. और जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि यार कहीं हम चूक गए या फिर नहीं हो पाए. तो उसका रीजन यही है कि वी शुड बी यू नो डेवलप द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यू नो ट्रेनिंग फॉर कंसंट्रेशन. एंड आई वुड से कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन ट्रेन यू, यू नो यू हैव टू ट्रेन योर ओन सेल्फ. ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स, द मास्टर लाइक यू नो प्राणायाम, बाबा रामदेव एंड ऑल दोस थिंग्स दे कैन हेल्प. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, बट यू हैव टू डेवलप ऑन यू नो प्रैक्टिस ऑन योर ओन कि हाउ यू कैन डेवलप दिस पावर ऑफ कंसंट्रेशन बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड. जैसे बोलते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी का जैसे कहना है कि जो कंसंट्रेशन है दैट इज द थिंग विच डिफरेंशिएट ए पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन. ए पर्सन हु इज मोर कंसंट्रेटेड कैन डू एनी जॉब, वॉट एवर स्मॉल और बिग जॉब ही इज डूइंग इन ए मच बेटर वे देन द अदर पर्सन. सो इफ यू आर कंसंट्रेटेड यू कैन यू नो एसिमुलेट द थॉट्स इन मच लेसर टाइम. लाइक वॉट आई वॉज सेइंग इट इज टोटली यू नो funny also sometimes that people say that they studied 18 hours. I find it very difficult how they manage, but maybe they may be great fellows. But 18 hours study with lesser concentration is, you know, not desirable when you compare with 10 hours of focus system. That is what I want to say. Thereafter, you know, you should have a lot of patience also. Like I have said that this is not 2020 game, it is a test match, maybe like that. So, you know, you have to have patience. Sometimes what happens is that you are prepared, everything is there, but maybe because of some reasons you have not got through or you have not been, you know, at the peak of your performance or like that. Because you, as you know, this examination consists of 3 stages. पीएसआय एसटीआय किंवा असिस्टंट हे पद आपल्याला मिळाले असे असतात, हे पद घेतले पाहिजे किंवा नाही? खूप चार क्वेश्चन तुम्ही विचारले आहे. ऐकून घ्या, जर तुम्ही एक्झामिनेशनची तयारी करत आहे यूपीएससी एमपीएससी सारखी, तर सध्या आमची परिस्थिती मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट होता, त्याच्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस एक्झामिनेशन घेत होता तर आम्ही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये इन्स्पेक्शन इंडिया म्हणून काम करत होतो. तर आमचा टार्गेट खूप क्लिअर होता की आमच्याकडे एक जॉब आहे. ठीक आहे, जर आम्हाला पाहिजे तर याच्या पुढे जायचे आहे, बरोबर आहे. आय हॅव अ लेवल, आय शुड गो अबव दिस, आय शुड नॉट
यू नो गो डाउन दिस थिंग डाउन इन द सेंस कि आई शुड नॉट टेक समथिंग विच इज यू नो लेसर इन पे स्केल लेसर इन अदर एस्पेक्ट्स देन इंजीनियरिंग जॉब. तो मेरा टारगेट ये था कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है उसमें कुछ मिलता है देन इट इज बेटर इफ इट इज नॉट देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. अब जैसा आपका क्वेश्चन है अगर आप मान लो ऑलरेडी पीएसआई की पीएसआई आपने क्वालिफाई कर लिया है और अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ठीक है तो अगर आप छोड़ के तैयारी कर सकते हो क्या दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. मोर ओवर अगर आप पीएसआई की तैयारी करो तो आपको कितना टाइम मिलने वाला है ठीक है आपको आगे की तैयारी करने के लिए. ये शुरू में अच्छा लग सकता है कि यार मेरे पास 6 महीने 8 महीने आपके पास टाइम रहता है उसके बाद किसी भी जॉब पे आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर काम का बोझ ये बढ़ता जाता है बट वो एट द सेम टाइम इट इज नॉट लाइक कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो. वही जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको पहले भी कि आपको प्लान करके मतलब अगर आपने अपना कैलेंडर प्लान किया हुआ है तो अब आप किसी भी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन कोना था सर त्याच्यापर्यंत माइक बोलतो. हॅलो हॅलो सर. देखिए मेरा कहना यह है कि आप पहले ग्लास के पानी से स्टार्ट करो ठीक है. जब आप ग्लास के पानी से स्टार्ट करोगे उसके बाद आपके पास आप बकेट तक पहुंचोगे उसके बाद आप कुएं तक पहुंचोगे उसके बाद आप नदी तक पहुंचोगे और लास्ट में सी तक पहुंचोगे. ये आप सोच के मत चलो कि यार वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा बोझा है. ये हो सकता है थॉट आए आपके दिमाग में लेकिन यू डेवलप योरसेल्फ बिट बाय बिट. बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है ठीक है. तो यू एक्सेलरेट योर नॉलेज ऑन दैट बेसिस. और एक समय ऐसा है जब आपके पास नॉलेज का बहुत मतलब यू नो यू विल आल्सो है यू विल बी आल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन. तो बहुत बड़ा महासागर है इसकी तैयारी भी करनी है बहुत बड़ा पहाड़ है उसको चढ़ना है इट इज नॉट लाइक प्रिपेयर योर सेल्फ. पहले आप कुछ स्टेप ले ना सको या पहले आप कुछ बूंद पानी को अपने अंदर इकट्ठा करो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा अपने आप ठीक है. तो दैट इज इट आपको वैसे तैयारी करनी है ठीक है. सर मी आपल्याला विचारू इच्छितो की सर आम्ही एमपीएससी आणि यूपीएससी ची तयारी एकत्रित करू शकतो का सर. बरोबर आहे माझा म्हणणं असं आहे की तुम्ही करू शकता. कारण काय आहे की ते सर आम्ही तयारी करू शकतो तुम्ही कशा प्रकारे सर सांगा कशा प्रकारे करू शकतो सर आम्ही तयारी एकत्रितरित्या एमपीएससी आणि यूपीएससी सर. सर मी हिंदी में बोलू का सर. हा सर हम एमपीएससी और यूपीएससी की पढाई एक साथ कर सकते हैं. देखिए अभी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि एक जगह सी सेट लगा हुआ है और दूसरी जगह से ऑब्जेक्टिव कर दिया है मेन सीरीज एज अ एमपीएससी राइट. लेकिन देखो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहे हैं तो उनका पूछने का पर्पज केवल एक ये है कि दे वॉन्ट बेस्ट कैंडिडेट ठीक है. और हो सकता है अभी के जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा तफावत हो मीन्स के एग्जामिनेशन एमपीएससी और यूपीएससी में. लेकिन जनरली किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तुलना में थोड़ा सा मतलब आप कहो कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आप किसी भी स्टेट की मतलब अपने स्टेट की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हो. बिकॉज यू अगर आपके सब्जेक्ट वैसे है तो इंफॉर्मेशन का जो लेवल रहता है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन उसकी क्वालिटी भी कुछ बेहतर रहती है. तो आप आई फील कि यू टारगेट यूपीएससी यू टारगेट यूपीएससी एंड देन यू विल यू नो प्रोसीड. चांगल्या पद्धतीने अखिलेशजी कुमार यांनी सगळ्या आमच्या खानदेशातील युवकांना मार्गदर्शन केलं त्यांची प्रश्नोत्तर जाणून घेतली त्यामुळे म्हणजे आता काँग्रेसच्या आणि सगळ्या सरकारांच्या वतीनं मी त्यांचा पुन्हा त्यांचा आभार मानतो. थँक्यू सर. विशिंग यू ऑल व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड ब्राईट चॅलेंजिंग अँड सॅटिस्फाईड फ्युचर. थँक्यू. आता शिक्षण करतो की जे पुढील